कप्तानगंज चीनी कनोरिया सुगर मिल की स्थिति बड़ी ही दयनीय है। पैसा रहते हुए मिल मालिक हमारा पैसा अपने पास रखते हैं और हमको मिल जाता तो मैं अपना काम करता। हमारा गन्ना का भुगतान करा दें, हम लोग गरीब हैं, हम लोगों का पैसा मिल जाए तो गुजर सफल हो। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 5 का प्राइम टाइम, में हूं आपके साथ शिल्पा। इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत स्वागत। यह तो जाहिर है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार किसानों पर खास फोकस रहा है। किसानों की आमदनी बढ़े, ये केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार के भी एजेंडे पर है। खासतौर पर गन्ना किसानों का पूरा पूरा भुगतान हो जाए, सरकार की ये पहली प्राथमिकता रही है। इसके लिए बाकायदा सरकारों की तरफ से कदम भी उठाए गए। हालांकि कुछ गन्ना मिल ऐसी हैं जो सरकार के ही कामों पर पलीता लगाने में लगी है, किसानों को उनकी मेहनत का भुगतान नहीं कर रही है। इन्हीं में से एक है कुशीनगर के कप्तानगंज के भबनौली गांव की कनोड़िया चीनी मिल। इस चीनी मिल की मनमानी की वजह से आज हजारों किसान दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। योगी सरकार के 14 दिन के भीतर गन्ना किसानों के भुगतान के आदेशों की इस मिल मालिक ने धज्जियां उड़ा दी है। अधिकारियों की मिलीभगत से इस चीनी मिल के मालिक के हौसले बेहद बुलंद। किसान मेहनत के पैसे की आस में बैठा हुआ है, मिल और अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काटने के लिए मजबूर है। जानकारी के मुताबिक इस चीनी मिल पर किसानों का 43,28,24,000 रुपया बकाया है। किसान अपने पैसे पाने के लिए परेशान है, वहीं दूसरी तरफ मिल मालिक को मानो कोई मतलब ही नहीं, कोई सरोकार ही नहीं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि किसानों का पैसा देने की बजाय मिल मालिक मिल के सामानों को बेचकर यहां से भागने की फिराक। जानकारी के मुताबिक मिल मालिक ने 10 दिनों के अंदर अंदर डिस्टिलरी फैक्ट्री का 2,40,00,000 का सामान बेच भी दिया, यानी कि मिल मालिक बिना पैसे चुकाए 9-2-11 होने की फिराक में है। हमने मिल प्रबंधक से उनका पक्ष जानने की भी कोशिश की, लेकिन हमें साफ साफ जवाब देने की बजाय वो दाएं बाएं बात करने में लग गए। मिल प्रबंधक से हमारी क्या बात हुई, उन्होंने क्या कहा, वो आपको सुनवाएंगे। लेकिन सबसे पहले किसानों का क्या कहना है, उन्होंने किस तरह से शिकायत की है, क्या है उनकी परेशानी, जरा पहले वो सुनिए। कप्तानगंज चीनी कनोरिया सुगर मिल की स्थिति बड़ी ही दयनीय है और अब तक जो है पिछले साल का पेमेंट, जो इस ये सीजन बीता इसके पहले वाले सीजन का पेमेंट इस साल मिला है और इस सीजन का अभी आधा पेमेंट बाकी है। तो ऐसे में सरकारें भी जो है या अधिकारी भी बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं जिससे गन्ना किसानों की समस्या का समाधान हो सके, और भुगतान न होने के वजह से गन्ना किसानों को भुखमरी की स्थिति आ गई है। बहुत सारी परेशानी आ रही है। पैसा रहते हुए मिल मालिक हमारा पैसा अपने पास रखे हैं और हमको मिल जाता तो मैं अपना काम करता, सारे काम पैसों से ही होता है। साहब लोगों से हमारा रिक्वेस्ट है कि हमारा गन्ना का भुगतान करा दें, हम लोग गरीब हैं, हम लोगों का पैसा मिल जाए तो गुजर सफल हो सके, काम खेती बाड़ी का काम हो सके। कुछ मिल ऐसी हैं जो बीमारू मिल हैं, किसान का एक एक पाई भुगतान किया जाएगा, चाहे कोई अपनी मिल बेचे चाहे कोई अपना घर बेचे, किसी भी किसान का पैसा नहीं रहने दिया जाएगा। और अब के जिस जब मिल चलेंगी, जब सत्र चलेगा, उससे पहले एक एक पाई किसान की भुगतान हो जाएगी, तभी कोई मिल चल पाएगा। एक किसी भी कीमत पे किसान का एक भी पैसा नहीं रहने दिया जाएगा, एक एक पाई किसान की चुकता की जाएगी। हमने इस पूरे मामले में मिल मालिकों का पक्ष भी जानना चाहा। मिल के MD राजीव लाल ने तो फोन नहीं उठाया, लेकिन उसके बाद हमने मिल प्रबंधक राकेश सक्सेना से बात की। उन्होंने क्या सफाई दी, क्या कुछ कहा, जरा वो भी सुनिए। हेलो, यस मैडम बोलिए। हाँ राकेश जी। हाँ सर, करोड़िया शुगर मिल को लेकर जो आप करोड़ों का बकाया है किसानों का, उसको लेकर मुझे आपका पक्ष जानना था। तो ये बताइए आपको सफाई क्या आपने पटवाना शुगर मिल, सरदारनगर शुगर मिल,
बाकी किसी के ऊपर भी आपने दिलचस्पी दिखाई, मेरे पे इतना दिलचस्पी क्यों दिखा रहे हैं? क्या मैं नहीं सर, हमने उन पे भी दिखाई है सर, हमारी पूरी सीरीज चल रही है और सीरीज में लाइव वाइज चल रही है। आप मुझे बताइए, सरदार नगर पे ड्यूज है, कब का ड्यूज है, पुराना है, आपको पता है? तो यही तो हम जानना चाहते हैं सर, आप अपना पक्ष रख सकते हैं, हम ये नहीं 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 व्हाई कैन वी शुगर एट ऑल, व्हाई डोंट सम अदर सर एंड व्हाई शुड वी टेल यू समथिंग? वो इसलिए सर क्योंकि योगी सरकार की तरफ से जो कहा गया कि 14 दिन के अंदर किसानों का बकाया का भुगतान हो जाना चाहिए, और उस लिस्ट में जिन्होंने नहीं किया, कनोरिया शुगर मिल का नाम है, तो सर मैं इसको आप ही से तो जानूंगी ना। अब आप बताएंगे कि भाई क्या सच है, क्या झूठ है, कितना बकाया हुआ, कितना रहेगा? मैं क्यों बताऊँ आपको? क्योंकि सर किसानों का मामला है, इसलिए किसानों का मामला में किसान का जवाब दूंगा, आप लोग कौन होते हैं? अरे मैं जनरल किसानों को जवाब दूंगा, मैं आपको क्यों बताऊँ? आप मैं पिछले 50 साल से चला रहा हूँ, मेरी बड़ी अच्छी रिलेशनशिप है किसान को, हमारे पर भरोसा है बस। और किसान हमारे पास आए थे, आपने की दिलचस्पी हो रही है मेरे ऊपर, हमारा इतना बकाया है। आप पहले मुझे इसलिए मैंने आपसे संपर्क किया था कि अगर हम स्टोरी चलाएंगे तो आपका अच्छा ठीक है। मैं नहीं करता, पहले मुझे सरदार नगर पर कितनी चलाई और बाकी जो बंदोबी पर कितनी चलाई। अच्छा ठीक है सर, तो सुना आपने, अपना पक्ष भी नहीं रखना चाह, बात भी नहीं करना चाहिए, ऊपर से सवाल जवाब करने लगे कि आप कौन होते हैं? जानने वाले जानेंगे ना, सवाल करेंगे ना, क्योंकि किसानों से जुड़ा हुआ मामला है भाई। आप मालामाल होते रहे और किसान बेचारा परेशान होता रहे। आज इसी पर हम करने वाले हैं बात, हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस समय जुड़ गए हैं। हमारे साथ किसान नेता राजेंद्र यादव जी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। इसके अलावा कुशीनगर से हमारे साथ हमारे संवाददाता गुड्डू कुमार हमारे साथ इस समय उपस्थित हैं, और लखनऊ से हमारे साथ हमारे संवाददाता अवनीश कुमार भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले गुड्डू आपका रुख करूंगी, कुशीनगर में स्थित इस शुगर मिल ने जिस तरह से अपनी मनमानी की और ऊपर से अब तेवर भी दिखा रहे हैं, सबसे पहले तो किसान किस हद तक परेशान हो गए हैं, किसानों की सुनी क्यों नहीं जा रही है, इस पर सबसे पहले मैं आपसे अपडेट चाहूंगी। क्या कहना है किसानों का, आखिरकार क्या करने की आवश्यकता है, कैसे इन किसानों की सुनी जाएगी, इनका करोड़ों का जो बकाया बाकी है जो मिल प्रबंधक देने के लिए तैयार नहीं है, कहां जाए परेशान किसान? जी बिल्कुल शिल्पा, आपको हम बता देना चाहते हैं जिस तरीके से जो कुशीनगर जनपद के विशेष रूप से जो कप्तानगंज चीनी मिल के अंतर्गत में जितनी भी किसान आते हैं ये काफी तबाही की जिंदगी जी रहे हैं। यहाँ तक कि अभी कुछ दिनों पूर्व हमने एक खबर चलाई थी जिसमें किसानों ने स्पष्ट तौर पर अपनी दर्द को बयां किया था कि हमारी बेटी की शादी नहीं हो पा रही है, हम अपने खेत की बुआई नहीं कर पा रहे हैं, बीमारी हो रही है तो इलाज नहीं करा पा रहे हैं, और जो चीनी मिल का मालिक है वो इनका पेमेंट डकारे बैठा है, और जिस तरीके से मनमारी पे ये उतारू है तो सरकार पे भी ये काफी बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है कि आखिर जिस तरीके से सरकार दावा कर रही है कि 14 दिन के अंदर किसानों के गन्ना का पेमेंट भुगतान कर दिया जाएगा, तो ऐसे में पूरे साल बीत गए और अब तक किसानों का पेमेंट नहीं हो पाया। दूसरी तरफ जिस तरीके से अभी हाल की अपडेट आपको बता दें शिल्पा, जिस तरीके से जो चीनी मिल का परिसर में ही दो चीनी मिल एक तरीके से कह लिया जाए लगा था, एक डिस्टिलरी था और एक चीनी मिल था, डिस्टिलरी को चीनी मिल मालिक ने बेच करके लगभग 2 से 2.5 करोड़ रुपए डकार गया, और किसानों को ये कहा जा रहा है कि चीनी मिल की कुछ जमीन है जिसे बेच करके किसानों का पेमेंट किया जाएगा। तो ऐसे में किसानों का स्पष्ट तौर पे हमसे कहना था कि आखिर हम इसके जिम्मेदार कहाँ हैं, सरकार किस लिए है और सरकार क्यों नहीं इसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है? अगर वाकई में ऐसा होता कि चीनी मिल का सामान बेचकर किसानों की पेमेंट करने की इनकी मंशा होती तो आज जब हमने उनका पक्ष आने की कोशिश की तो वो कहते ना, वो बताते ना कि देखिए तैयारी हो रही है, थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन हम इन इन कदमों के साथ किसानों को उनका पैसा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर रफूचक्कर होने की फिराक में है। जी बिल्कुल बिल्कुल गुमराह किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से शिल्पा अभी 2 से 2.5 करोड़ रुपए की जो मशीन बेचे गए हैं, तो क्या 2 से 2.5 करोड़ का पेमेंट हुआ होता तो जो कुछ किसान है कम से कम उन्हों को तो राहत मिला होता। लेकिन जिस तरीके से 2 से 2.5 करोड़ रुपए का सामान बेच करके डकार गया तो आखिर ये इसको क्या कहा जाएगा? कहीं ना कहीं चीनी मिल मालिक की ये चोरी है और मन में उसके कपट है जिसके चलते ये पेमेंट नहीं किया गया और सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है।
जो कोरा आश्वासन है। तो ऐसे में जो अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, इन पे भी यह सवालिया निशान खड़ा होता है कि आखिर ये अब तक क्या किए, क्यों नहीं इनके पे कार्रवाई हो रही है। हाँ। क्यों एक साल से ये किसानों का पेमेंट जो अपने पास रखे हैं और डकारे हुए हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि योगी सरकार की तरफ से जब ये साफ कहा गया है, स्पष्ट ये सख्त निर्देश है कि भाई 14 दिनों के भीतर भुगतान हो जाना चाहिए, वरना फिर ब्याज भी भरना पड़ेगा। बावजूद इसके अगर मिल मालिकों के कान पर कोई जू तक नहीं रेंग रही है, तो ये बड़ा सवाल है। साथ ही साथ जो संबंधित अधिकारी है, जिनकी जिम्मेदारी बनती है, उनसे भी सवाल पूछा जाएगा। ये तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये के विंडो आप देख पा रहे होंगे, कनोडिया चीनी मिल प्रबंधन की तरफ से जब हमने उनका पक्ष जानने की कोशिश की कि भाई आपका क्या कहना है, आपके ऊपर किसानों का जो करोड़ों का बकाया बाकी है उसको लेकर आप कब तक पेमेंट करेंगे, कितना आप कर चुके हैं, कितना आपका बाकी रह गया है, क्या सच है क्या झूठ है, आइए कम से कम सामने तो आइए, बताइए तो सही। लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। इसका मतलब क्या दिखाता है, जाहिर तौर पर फिर कहा जा सकता है चोर की दाढ़ी में तिनका। अगर कुछ वास्तविकता में वो किसानों के लिए सोच रहे थे, उन्होंने कहा कि 50-60 सालों से हम चला रहे हैं, किसानों का हम पर भरोसा है, हम उन्हें जवाब देंगे, तो हम यही तो कोशिश कर रहे थे ना कि सर आप हमारे जरिए बताइए ना, उन किसानों तक हम ये बात पहुंचाएंगे कि देखिए आप चिंता मत कीजिए, लगातार कोशिश हो रही है, मिल प्रबंधक कोशिश कर रहे हैं, सामान को जो बेचा जा रहा है, जो पैसा इकट्ठा किया जा रहा है, उससे आपका पेमेंट किया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ उन्होंने नहीं कहा। ये कनोडिया चीनी मिल प्रबंधन की तरफ से पक्ष जब हमने जानने की कोशिश की, तो ना तो वो आए, ना उन्होंने इस पर ज्यादा बोलने का कष्ट किया। चलिए, हमारे साथ अवनीश कुमार भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, लखनऊ से मौजूद है हमारे साथ। अवनीश, आपकी गन्ना एवं चीनी मंत्री से भी बात हुई, चौधरी लक्ष्मी नारायण, उन्होंने क्या आश्वासन दिया, कैसे आखिरकार ऐसे होने दिया जा रहा है? 14 दिन का जब अल्टीमेटम तमाम चीनी मिल मालिकों को दिया गया है, ये सरकार की तरफ से सख्त आदेश है, बावजूद इसके किसान इस तरह से परेशान हो रहे हैं और मिल मालिक अपनी मनमानी पर उतारू है। जी बिल्कुल, देखिए, आज गन्ना विकास मंत्री से बातचीत हुई थी, उस बातचीत के दौरान उन्होंने साफ कहा कि जो कार्रवाई है वो की जाएगी, अगर चीनी मिल बेचना चाहता है मालिक तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उसको जेल भेजा जाएगा। तो साफ उन्होंने दो टुक में कहा कि अगर चीनी मिल बेचता है तो जेल भेजा जाएगा, जो बकाया है उसका भुगतान किया जाएगा, उस पर पूरी निगरानी रखी गई है। हाँ, उसके पास कोई आर्थिक दिक्कतें थी, उन आर्थिक दिक्कतों को देखा जा रहा है क्या दिक्कतें हैं, लेकिन किसानों का पेमेंट किसी तरीके से रोका नहीं जा सकता है। अगर कोई भी ऐसी खबर आती है कि वह अपनी कहीं जमीन बेचता है, अपनी संपत्ति बेचता है, तो उस पर भी विभाग की तरफ से निगरानी रखी जाएगी, क्योंकि विभाग की तरफ से सबसे पहली प्राथमिकता किसान है। गन्ना किसानों को 14 दिन के अंदर पेमेंट होना है, हालांकि वह निजी चीनी मिल है, ऐसे में वहां पे अभी कुछ कार्रवाई बाकी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पेमेंट करने का आश्वासन है वह मंत्री की तरफ से दिया गया है। और मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि किसानों के साथ अन्याय नहीं होगा, किसी प्रकार से उनके साथ कोई लापरवाही नहीं होने दी जाएगी, और जो भुगतान है वह भुगतान 100% करवाया जाएगा, और उसमें अगर कोई हर्जाना देने की दिया जाता है तो वो भी दिलवाया जाएगा। तो साफ है कि सरकार की जो मंशा है, सरकार अपनी मंशा लेकर आगे चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने आश्वासन दिया है कि आने वाले कुछ दिनों में 100% का भुगतान होगा, वो भुगतान कहां से होता है इसको तय किया। पलीता लगाने की कोशिश में भी तो लगे हैं, कार्रवाई करने की बात तो कही गई है, लेकिन कार्रवाई होगी कब, जब ये रफू चक्कर हो जाएंगे? क्योंकि जिस तरह से इनके ये कदम दिखाए देखने को मिल रहे हैं, लगातार वो अपना कबाड़ बेच रहे हैं, अपना सारा सामान बेच रहे हैं, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं एक तरीके से ना, किस फिराक में है फिर वो? तो इस पर क्या मंशा पर सवाल खड़े नहीं होंगे? और सरकार कार्रवाई की बात करती है तो कार्रवाई में इतनी लेट लतीफी क्यों होती है फिर, क्यों लोगों को मौका मिल जाए भागने की, फरार होने की? जी बिल्कुल, देखिए, गन्ना विकास विभाग की अगर बात करें तो तमाम शिकायतें कनोरिया चीनी मिल के आई हैं, यानी कहीं न कहीं जो जिम्मेदार अफसर हैं वो लापरवाह देखे जा रहे हैं। अगर सबसे प्राथमिकता तौर पे देखें तो जो कुशीनगर में बैठे हुए हैं विभाग के अफसर, वो आंखें बंद किए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उनपे भी कार्रवाई होनी तय है। तो साफ है कि पिछले दिनों ही हमने राज्य मंत्री से बात की थी, आज हमने मंत्री से बात की, मंत्री ने कहा हम इसकी जांच कराएंगे और इसमें कार्रवाई करेंगे। अगर कहीं से भी खरीद फरोख्त का मामला आता है, किसी प्रकार से वो अपने मिल बेचने के चक्कर में अगर पड़ते हैं तो उनको जेल भेजा जाएगा। दो टूक में उन्होंने कहा कि अगर बेचा तो जेल जाएगा, किसानों का भुगतान करना पड़ेगा, जो अफसर लापरवाह हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह जांच की प्रक्रिया है, हालांकि चंद दिन में ही यह पूरा जांच रिपोर्ट आ जाएगी और उसके बाद जो कार्रवाई है वो शुरू की जाएगी। लेकिन लगातार इस तरीके का आश्वासन सरकार की ओर से मिलता है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक एक काम को खुद जमीन पर उतरकर देखते हैं, करते हैं, उसकी पड़ताल करते हैं। पिछले दिनों ही गन्ना विकास विभाग का जब कार्यक्रम हुआ था, तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
आपने खुले मन से कहा था कि गन्ना किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करना है, उनका बकाया नहीं रहने देना, ये जो प्राथमिकता है वो विभाग की होनी चाहिए। लेकिन विभाग कहीं न कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इनकी इतनी हिम्मत हो जाती है कि ये महीनों महीनों मिल को बंद करके बकाये का भुगतान करने की कोशिश तक नहीं करते, ये मंशा दिखाते भी नहीं है। और इस वजह से बेचारे किसानों को कितना परेशान होना पड़ता है, किसी की बेटी की शादी होनी है, किसी के घर का गुजारा नहीं हो पा रहा है, लेकिन मानो इन्हें कोई मतलब नहीं है। चलिए आप हमारे साथ बने रहे, हमारे साथ किसान नेता राजेंद्र यादव जी भी जुड़े हुए हैं। राजेंद्र जी, ऐसे में कैसे हो इन परेशान किसानों की समस्या का समाधान? देखिए, मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूँ आपको और आपके चैनल जनता टीवी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने जो किसानों की आवाज़ है, क्योंकि गन्ना शुगर मिल जितने भी हैं देश प्रदेश के अंदर हैं, उनकी सभी का यही रूप है भाई, आज आपने आवाज़ उठाई है तो मैं बधाई इसलिए मैंने आपको दी है, क्योंकि इससे पहले किसी भी टीवी चैनल ने ये आवाज़ उठाई नहीं है। ये इनकी मनमानी को, ये नई मनमानी नहीं है, ये पूरे प्रदेश के गन्ना मिलों की मनमानी है, मनमानी करते आए हैं। किसान अपने आप में बदहाल जिंदगी जी रहा है, किसान उस बदहाली के दौर से या तो अपनी फसल पैदा करे या इनसे लड़े। अगर हम लोगों के वहाँ पर धरना प्रदर्शन करते हैं तो प्रशासन आ जाता है कि जी आप इस तरीके का कहते हैं अराजक तत्व इकट्ठे कर रखे हैं, आप काम रोक रहे हैं, आप दूसरी बातें कर रहे हैं। सीधी सी बात है, गन्ना शुगर जो शुगर मिल जितने भी हैं और जिला प्रशासन जो है, ये लोग मिली भगत करते हैं। मिली भगत के बाद जो है किसानों को क्या कहते हैं अपना प्रलोभन देते हैं, कहते हैं कि अगले महीने कर देंगे, एक महीना कर देंगे, दो महीने कर देंगे। आपने बहुत अच्छी बात कही, 14 दिन का नियत दिन का समय है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कितने आदेश दे रखा है कि 14 दिन में। और मैं आपको बता दूं, जो किसान है, किसान 3 बार जीते हुए हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपना केस जीते हुए हैं कि उनका जो भुगतान है, भुगतान 14 दिन के नियत समय पर मिल जाना चाहिए। लेकिन जो प्रदेश सरकार है, प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं और ढीलम ढोल क्या कहते हैं रवैया अपनाते हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि आप 14 दिन के अंदर पेमेंट करिए, किसान को क्या कहते हैं समृद्ध बनाएंगे, किसान क्या कहते हैं बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति हो जाएगी। लेकिन देखने को आपको मिल रहा है, आपके क्या क्या मिल रहा है, कहीं ना कहीं अभी माननीय कृषि मंत्री, अभी गन्ना मंत्री जी कह रहे थे कि जी हम लोग क्या कहते हैं इसमें जांच कर रहे हैं, जांच का विषय है। आप क्या जांच का विषय कहेंगे इसको? भाई किसान परेशान है, उसके घर की बदहाली है, क्या कहते हैं बच्चे की शादी नहीं हो रही है, बच्चों की फीस नहीं जा रही है, घर में घर के और बहुत सारे काम है, और आप कह रहे हैं कि जांच का विषय है? क्या आपको नहीं दिखाई दे रहा है कि गन्ना जो मिले क्या कहते हैं वो पेमेंट नहीं कर रहे हैं? इनकी पेमेंट कराइए, इनके ऊपर शिकंजा कसिए, इन पर FIR दर्ज करिए, इनके जो अकाउंट हैं अकाउंटों को उनको ब्लॉक कीजिएगा कि जब तक आप इनका जो पेमेंट नहीं दोगे, किसानों को पेमेंट नहीं दोगे, आपके अकाउंट से कोई ऑनलाइन देन नहीं कर सकते। मैं आपके माध्यम से एक चीज और पूछना चाहता हूं कि जो शुगर मिल है, शुगर मिल में एक चीज ऐसी बता दिए जिससे कि शुगर मिल जो है घाटे में चलते हों। घाटे का तो कोई सौदा है ही नहीं उनके यहां से, भाई गन्ना जाता है, गन्ने का क्या कहते हैं रस है वो काम में आता है, चीनी बिकती है, खोई बिकती है, सब कुछ तो उनका बिक रहा है, फिर वो घाटे में है कहां से? हम लोगों ने तो पिछली बार कहा भी था सरकार से कि अगर ये लोग घाटे में चल रहे हैं, शुगर मिल घाटे में चल रहे हैं, तो इनको बंद कर दीजिए, गन्ना किसान कुछ और बोने लगेगा। एक तरफ तो आप बॉन्ड साइन करा लेते हो कि भाई किसान जो है वो गन्ना ही पैदा करेगा, और उसके बाद आप उनको क्या कहते हैं अपने पीछे पीछे घुमाते हुए पेमेंट के लिए। आप उस बॉन्ड पे ही आ जाओ ना, क्योंकि ये तो एक तरीके से लिखित में है, बिल्कुल गन्ना किसानों के लिए लिखित में होता है। वाजिब सवाल है, क्योंकि बीच में किसान पिसता है, एक तरफ सरकार है, दूसरी तरफ जो मिल मालिक बैठे हुए हैं वो नहीं सुनते हैं, दूसरी तरफ सरकार से जो आस लगाए किसान बैठे रहते हैं उनकी वहां नहीं सुनवाई होती है, और सिर्फ कार्रवाई की बात कह के कहीं ना कहीं मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं चलने वाला, किसान बेहद परेशान है। अवनीश, आप ही के पास आते हुए, देखिए ये सवाल तो बनेगा ना फिर कि किसान विश्वास करे तो फिर कैसे करे और किस पर करे? एक तरफ मिल मालिक जो उन्हें ठग रहे हैं, उनका बकाया नहीं दे रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार जो उनकी सुनवाई नहीं कर रही है, वो जाए तो कहां जाए, क्या होगा फिर इनका? जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा मुद्दा होता है किसान। किसानों के आगे अगर इस तरीके का संकट आता है तो स्वाभाविक सी बात है कि वो आर्थिक संकट से गुजरने लगता है, लगातार वो आस लगाए रहता है सरकार से, अफसरों के जो अधिकारियों के ऑफिस हैं वहां के चक्कर भी काटता है, चीनी मिल जाता है, लेकिन अगर भुगतान नहीं होगा तो उसके सामने कई समस्याएं आती हैं। उसके घर में कई काम होते हैं तमाम, अगर बात किया जाए तो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ हर घर है, शिक्षा से जुड़ा हुआ हर घर है, तो कहीं ना कहीं जो कार्यक्रम होते हैं उसमें भी जो अर्थव्यवस्था की बहुत जरूरत होती है, तो कहीं ना कहीं
किसान जो है परेशान दिख रहा है। कुशीनगर में जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने जमीनी पड़ताल की थी, उस पड़ताल में किसानों ने अपना दर्द बयां किया था। उस दर्द में उन्होंने साफ कहा था कि हम जाएं तो जाएं किसके पास, अफसर सुनने को तैयार नहीं, मंत्री सुनने को तैयार नहीं। मुख्यमंत्री लगातार मंच से कह रहे हैं कि गन्ना किसानों को आर्थिक रूप से समृद्ध कर रहे हैं, 14 दिन में भुगतान हो रहा है, कितना भुगतान हो रहा है उसका आंकड़ा भी दिया जा रहा है कि हम पिछले सपा और बसपा के शासनकाल में जितना भुगतान हुआ उससे दोगुना भुगतान कर चुके हैं। लेकिन जो किसान कनौरिया चीनी मिल से जुड़ा हुआ है उसका भुगतान नहीं हो रहा है, वो आखिर जाए तो जाए कहाँ? एक बड़ी आबादी है, एक बड़े क्षेत्र में कहीं ना कहीं वो अपने आप को सीमित करता है चीनी मिल, तो स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ पे हजारों की संख्या में जो किसान जुड़े हुए हैं जिनका बकाया बाकी है वो कहाँ जाएंगे, वो किसका दरवाजा खटखटाएंगे? करतूत नहीं है, हर चीनी मिल कहीं ना कहीं किसानों को इस तरह से ही शोषित करती आई है और अब भी कर रही है। उनका शोषण होता आया है, अब भी हो रहा है, परेशान होते आए हैं, अब भी हो रहे हैं। लेकिन अगर इन पर समय रहते कार्रवाई की जाए, इनके ऊपर डंडा चलाया जाए, तो शायद इनकी इतनी हिम्मत ना होने पाए। ऐसे में अवनीश, क्या इलाज इस तरह के ढीठ मनमानी करने वाले, किसानों को परेशान करने वाले मिल मालिकों के खिलाफ होना चाहिए? क्या इनका इलाज नजर आता है? जी बिल्कुल, देखिए अब तक जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार में, खासतौर पे योगी सरकार में जो कार्रवाइयां हुई हैं वो कहीं ना कहीं मिसाल बनी है। तो इस तरीके का जब मामला आता है तो एक मिसाल बनाना चाहिए सरकार को। साफ तौर पे जो लापरवाह अफसर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जो चीनी मिल मालिक है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि सरकार जब बनी थी 2017 में, तो उन्होंने सबसे पहला जो मुद्दा उठाया था वो किसान था। उन्होंने कहा था हम किसानों को आर्थिक रूप से समृद्ध करेंगे, गन्ना किसानों का जो भुगतान है उसमें तेजी लाएंगे, उसको रिकॉर्ड से जो भुगतान है वो किया जाएगा। लेकिन इस तरीके का अगर निजी चीनी मिल मालिक मनमानी करेंगे तो सरकार की मंशा पे कहीं ना कहीं वो पानी फेर रहे हैं। उससे जुड़ा हुआ जो किसान है वो परेशान हो रहा है। और साफ तौर पे अगर कनौरिया चीनी मिल का ही उदाहरण ले लें तो उसकी तरफ से सफाई आ रही है कि हम अपनी जमीन बेच के जो पैसा मिलेगा वो हम भुगतान करेंगे। लेकिन सरकार को कहीं ना कहीं एक विकल्प भी रखना पड़ेगा अपने पास, कड़ा और सख्त संदेश पहुंचाया जा सके ताकि उनकी भी ऐसी हिमाकत ना होने पाए। गुड्डू, जरा आपके पास आते हुए, वहां किसान अब क्या चाहते हैं? परेशान बेहद हो चुके हैं, दफ्तरों के चक्कर चक्कर पर चक्कर काट काट कर थक चुके हैं। बिल्कुल, लेकिन क्या कह रहे हैं? देना चाहते हैं किसानों का स्पष्ट तौर पर कहना है कि जिस तरीके से ये चीनी मिल मालिक द्वारा किसानों का एक तरीके से शोषण किया जा रहा है, क्योंकि कड़ी परिश्रम के बाद जो किसान अपना फसल उगाए हैं वो लाके चीनी मिल को दे दिए कि अगर ये इसका पेमेंट आएगा तो किसान अपनी अगली फसल बोएगा, बाकी बेटियों की शादी करेगा, बच्चों की पढ़ाई कराएगा, बीमारी में अपना वो करेगा, घर बनवाएगा। तो ये समाज जो जितने भी किसानों के सपने थे इस पे पानी फिर गया है और किसान एकदम बिल्कुल परेशान है, क्योंकि किसानों का ना ही कोई विधायक सुन रहा है, ना ही मंत्री सुन रहा है, ना ही कोई अधिकारी सुन रहा है, ना चीनी मिल सुन रहा है। तो जो मजबूर किसान है, लाचार किसान है, ये कहां जाए, इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि किसानों ने यह भी कहा कि अगर ये चीनी मिल अगर भुगतान नहीं करती है तो हम आत्मदाह करने को मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि किसानों के पास आय का और कोई स्रोत ही नहीं होता है जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके और आर्थिक जो भी जितने भी कार्य हैं वो हो सके। बिल्कुल निश्चित तौर पर, इसीलिए अब की बार इन किसानों की सुन लो सरकार, यही किसान इस समय गुहार लगा रहा है। राजेंद्र यादव जी, आपका फाइनल कमेंट, क्या उम्मीद की किरण नजर आ रही है, क्या करने की आवश्यकता है, सरकार को क्या कहेंगे और इन मिल मालिकों को क्या कहेंगे? देखिए, मिल मालिकों से मैं क्या कहूँगा, मिल मालिकों से तो आपने देख लिया कह के कि उनका रवैया किस तरीके से होता है और भोले भाले किसानों से वो और किस तरीके से बात करते होंगे, तो ये तो जग जाहिर आपने कर दिया है। डर कैसे पैदा किया जाए? डर की ही बात मैं कर रहा हूँ कि जो आपने जो ये मुहिम चलाई है, मैं उसका फिर एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। ये मुहिम को बंद ना होने दीजिएगा, क्योंकि आपने जो कुशीनगर से चलाया है, कुशीनगर के बाद आप सिद्धार्थनगर में घुस जाइए, सिद्धार्थनगर के बाद लखीमपुर में आ जाइए, बहराइच में आ जाइए, गोंडा में आ जाइएगा। ये मुहिम कहीं ना कहीं आपके लिए, आपकी जो मुहिम है ये देश के किसानों के लिए बिल्कुल रामबाण दवा सिद्ध होगी, क्योंकि मीडिया के हंटर से ही ये लोग क्या कहते हैं काबू माएंगे। और वहाँ के किसान जो हैं वो आपका साथ देंगे। और मैं भारतीय किसान संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं भी किसानों से कहूंगा कि जहाँ की भी जो वाजिब समस्याएं हैं इन शुगर मिलों को लेकर जो है जनतंत्र टीवी के बिल्कुल जो जिला संवाददाता है उनसे सीधा संपर्क करो। मैं भी आपसे एक गुजारिश करना चाहूंगा कि एक हेल्पलाइन नंबर दे दीजिएगा गन्ना किसानों के लिए, स्पेशली गन्ना किसानों के लिए, तो आपको बहुत सारे लोगों का सहयोग मिलेगा और इनको बेचारों को कहते हैं रामबाण दवा मिल जाएगी, इनका भुगतान हो जाएंगे, इनके बच्चे जो है पढ़ने लगेंगे। क्योंकि सरकार जो है सरकार ऐसे ही घुमाती रहेगी और अधिकारियों के ऊपर
दबाव बनाएगी या अधिकारी के लिए कहने लगेगी उनको बर्खास्त करने के एक नौटंकी करेंगे, उसमें उससे कुछ नहीं होना। ये सीधा 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 संवाद आपने जो शुरू किया है इसे शुरुआत कीजिएगा, इसे रुकने ना दीजिएगा। बिल्कुल सर, ये लगातार जारी रहने वाला है जब तक इन किसानों को न्याय नहीं मिल जाता, जब तक इन किसानों को इनका बकाया नहीं मिल जाता। चलिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर ये जो करोड़ों का बकाया बाकी है, मिल मालिकों को जल्द से जल्द इनका भुगतान करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ सरकार को भी ध्यान में देना पड़ेगा, रखना पड़ेगा इस बात का ध्यान कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि मिल मालिक सारा सामान बेच बूझ कर अपना सारा पैसा अपने बैंकों में डालकर रफू चक्कर ना हो जाए, विदेश ना भाग जाए, वरना क्या होगा इन किसानों का, क्या होगा इन किसानों के परिवारों का। अब वक्त आ गया है कि किसानों को न्याय मिलना चाहिए, करोड़ों का जो बकाया बाकी है उनका जल्द से जल्द भुगतान होना चाहिए, वो भी ब्याज के साथ। क्यों? क्योंकि ये उनका अधिकार बनता है। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। कप्तानगंज चीनी कनोरिया सुगर मिल की स्थिति बड़ी ही दयनीय है। पैसा रहते हुए मिल मालिक हमारा पैसा अपने पास रखते हैं और हमको मिल जाता तो मैं अपना काम करता। हमारा गन्ना का भुगतान करा दें, हम लोग गरीब हैं, हम लोगों का पैसा मिल जाए तो गुजर सफल हो सकता है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।